नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना, और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। किसी ने समझौतावादी तो किसी ने उम्मीदों को जगाने वाला बताया बजट। आम बजट पर रही मिली जुली प्रतिक्रियाएं। शहर के बदहाल उद्यानों को संवारने की उठी मांग। नगर निगम की जन सुनवाई में लोगों ने दिया सुझाव। और न्यू कंचनपुर में नहर की भूमि पर हो रहे कब्जे। कलेक्टर की जन सुनवाई में लोगों ने प्रशासन को जगाने का किया प्रयास। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के आह्वान पर कांग्रेस ने घर घर चलो अभियान प्रारंभ किया है। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर दस्तक देकर भाजपा की नाकामियों को एवं कांग्रेस की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। नगर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने घर घर चलो अभियान का शुभारंभ मिलौनीगंज स्थित हनुमान मंदिर से पूजा अर्चना के साथ किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आम जनमानस को कांग्रेस की रीति नीति से अवगत कराने के लिए पंपलेट बांटे, साथ ही प्रदेश भाजपा सरकार की खामियां भी गिनवाई। इस अभियान को हम लोगों ने गति दी है आज से, और ये अभियान अब लगातार चलता रहेगा। लगातार ये दौरा कार्यक्रम भी और घर घर चलो अभियान हमारा चलेगा, और भारतीय जनता पार्टी की असफलताओं, उनके द्वारा हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए, वो कांग्रेस की नीति रीतियों को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारा सदस्यता अभियान भी चलेगा, बूथ अभियान भी चलेगा, और हम हर उस काम को करेंगे जिसकी हमसे जनता उम्मीद करती है। जो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी का अंतर मध्य प्रदेश और पूरे देश में है, जो जनता परेशान है, उसको भी जनता के सामने रखेंगे। हमारी 18 महीने की सरकार जो मध्य प्रदेश में थी, अगर वो आगे चलती तो क्या क्या घोषणाएं और क्या क्या कारवाई कमलनाथ जी और हमारे शहर में जो मंत्री थे उन्होंने किए थे। हमारे लिए दुर्भाग्य था कि सरकार गई नहीं, तो जबलपुर हमारा शहर बहुत आगे होता, यह बात भी जनता से करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी की समस्या से जनता कराह रही है, लेकिन प्रदेश की सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं है। पति के देहांत के बाद बच्चों का भरण पोषण करने में असमर्थ महिला ने केयर बाय कलेक्टर में संदेश भेजकर मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद कलेक्टर ने महिला को सिलाई मशीन प्रदान की। लालभाटी निवासी सुशीला वर्मा ने पति की मौत के बाद जीविकोपार्जन के लिए केयर बाय कलेक्टर में संदेश भेजकर सिलाई मशीन मांगी। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने महिला की मदद के उद्देश्य से उसे सिलाई मशीन प्रदान की है। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, मेरे छोटे दो बच्चे हैं, बस यहाँ मैं आई और मैंने सर से सहायता मांगा था कि मुझे सिलाई मशीन चाहिए। केयर बाय कलेक्टर में जानकारी प्राप्त हुई थी, हमारी कंट्रोल रूम की टीम ने उसको एक्टिविटी देखा है और जन सहयोग से जो है उनको ये सिलाई मशीन उपलब्ध कराई है, ताकि अपना पालन पोषण आगे गतिविधियाँ कर सके और भी जो भी नियमानुसार राहत मिल सकती है वो भी हम लोग देने का प्रयास करें। सिलाई मशीन पाकर सुशीला खुश नजर आई और उसने कलेक्टर के प्रति आभार व्यक्त किया। कोरोना संक्रमण की गति अब धीमी हो गई है। जिले में नए कोरोना संक्रमितों का घटता आंकड़ा इसकी गवाही दे रहा है। मंगलवार को भी जिले में 390 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। मंगलवार को जारी हुई 5,111 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट में से 390 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है, जबकि कोरोना से स्वस्थ होने पर 968 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 3,699 रह गई है। बीते 24 घंटे में एक भी व्यक्ति की कोरोना से मौत होने की पुष्टि नहीं हुई है। स्टेट बार काउंसिल की सामान्य सभा की बैठक में पारित किए गए प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। एसबीसी के उपाध्यक्ष आर के सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 फरवरी को आयोजित कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अधिवक्ता रत्न से सम्मानित किया जाएगा। स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष आर के सिंह सैनी ने बताया कि स्टेट बार काउंसिल की सामान्य सभा की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं, जिसमें सेमिनारों के आयोजन सहित वकालत के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं को भी अधिवक्ता रत्न से सम्मानित किया जाएगा। जैसे जलपुर से हमारे आदरणीय श्री दत्त साहब वरिष्ठ अधिवक्ता है, तृणमूल के जाने माने लॉयर है, उनको भी इसे नवाजा जाएगा। और भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर, रीवा और ग्वालियर में 5 जगह सेमिनार होंगे। उसी समान समारोह में
इन अधिवक्ताओं को जिन्होंने अपना काफी योगदान दिया है लाग क्षेत्र में, उनको अधिवक्ता रत्न की उपाधि से भोज दिया जाएगा। कोरोना काल में निजी स्कूलों की तरह निजी कॉलेजों में भी ऑनलाइन पढ़ाई होने का हवाला देकर हाईकोर्ट में जबलपुर के एक लॉ स्टूडेंट ने याचिका दायर की है और निजी कॉलेजों में भी केवल ट्यूशन फीस जमा करने की राहत चाहिए है। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने ऐसे निर्देश दिए हैं, लेकिन उच्च शिक्षा द्वारा केवल ट्यूशन फीस जमा करने संबंधी कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, लिहाजा छात्र कॉलेजों की भारी भरकम फीस चुकाकर परेशान हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन सहित उच्च शिक्षा विभाग और डायरेक्टर हायर एजुकेशन को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता का यही कहना है कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। वो NES ला कॉलेज का स्टूडेंट है और उससे कॉलेज के द्वारा पूरी फीस की मांग की जा रही, जबकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एवं हाईकोर्ट द्वारा जनहित याचिका में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोविड काल में प्राइवेट स्कूल केवल ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं। इसलिए उसी तरह से कॉलेजों को भी निर्देश जारी किए जाएं और कॉलेज भी केवल ट्यूशन फीस ही लेने के पात्र हैं और कोई अन्य फीस नहीं ले सकते हैं। उसी याचिका की आज सुनवाई हुई, आज माननीय न्यायालय ने उसमें नोटिस जारी करके 4 सप्ताह के अंदर जवाब तलब किया है। पदोन्नति में आरक्षण की मांग को लेकर मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के द्वारा राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया है। अजाक्स संगठन ने जिला प्रशासन को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि आरक्षण को लेकर उनके साथ छलावा किया जा रहा है। हमारे उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता सम्मानीय मनोज गोरकेला जी के द्वारा जो 5 बिंदु बनाए गए हैं, उन बिंदुओं को यथावत वैसे ही उसको जारी किया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। दूसरी, हमारे सारे कर्मचारी मध्य प्रदेश में जो कि बगैर प्रमोशन के आज जिस सेवा में आए थे उसी सेवा में रिटायरमेंट हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनको भी पदोन्नति का लाभ मिले। और अगर ये हमारी मांगे शीघ्रता से पूरी नहीं हुई तो हम इस 3 जगह आंदोलन करेंगे। क्या मांगे हैं आप लोगों की? अजाक्स संगठन के सदस्यों ने बताया कि 20 फरवरी को एक दिवसीय धरना दिया जाएगा और चरणबद्ध आंदोलन किए जाएंगे। ग्वारीघाट बस्ती में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। आजाद समाज पार्टी के सदस्यों ने नगर निगम प्रशासन से शिकायत करते हुए बताया कि पानी की पाइपलाइनें नालों में टूटी हुई है, जिसके कारण गंदा पानी घरों तक पहुंच रहा है। आजाद समाज पार्टी के सदस्यों ने एक शिकायत पत्र नगर निगम के अपर आयुक्त महेश कुमार कोरी को सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि ग्वारीघाट मुक्तिधाम के पास बस्ती में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। पानी की पाइपलाइनें नाली में टूटी हुई हैं, जिसकी वजह से गंदा पानी घरों तक पहुंचकर लोगों को बीमार कर रहा है। बस्ती में जो नाली है उसमें से पानी, पीने के पानी का पाइपलाइन आ रहा है, जिसमें कि नाली के कीड़े लोगों के पानी के बर्तन में आ रहे हैं। नालियां जो कि लबालब भरी है सालों से, वो साफ नहीं हो रही है। रोड में झाड़ू नहीं लग रही है, वहाँ बस्तियों का कचरा नहीं उठाया जा रहा है। बिजली के जो खंभे हैं टेढ़े हो चुके हैं, वो कभी भी मकानों के ऊपर गिर सकते हैं। और हमारी आजाद समाज पार्टी की मांग है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निराकरण किया जाए। आजाद समाज पार्टी के सदस्यों ने चेतावनी दी है कि यदि ग्वारीघाट की सफाई एवं पेयजल व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। रानीताल क्षेत्र से लोहे की पाइप चोरी करके ले जा रहे 2 युवकों में से एक को मदन महल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वहीं दूसरे की तलाश जारी है। रानीताल क्षेत्र में दिन दहाड़े 2 युवक अपनी मोटरसाइकिल में लोहे की पाइप चोरी करके ले जाने की फिराक में थे, लेकिन क्षेत्रीय लोगों की मुस्तैदी से 2 में से 1 युवक पकड़ा गया, जबकि दूसरा मौका पाकर फरार हो गया। क्षेत्रीय जनता के द्वारा सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस युवक को अपने साथ थाने लेकर आ गई और उसकी बाइक भी जब्त कर ली है। के द्वारा बताया गया कि 2 लोग थे, जिसमें से एक भाग गया, एक पकड़ा गया, जिसके साथ गाड़ी भी है। अब दोनों को हम थाना ले जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने दूसरे युवक की तलाश शुरू कर दी है। जबलपुर में एक बार फिर से एक और लुटेरी दुल्हन ने अपना कारनामा दिखाते हुए छिंदवाड़ा के एक दूल्हे को फर्जी शादी करके लूट लिया। ये पूरा मामला जिला अदालत परिसर के बाहर का है, जहां पर लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों ने पहले तो फर्जी शादी की और फिर कोर्ट से बाहर आते ही गहने और रुपए लेकर दुल्हन फरार हो गई। हालांकि पुलिस ने दुल्हन की मौसी को गिरफ्तार कर लिया।
छिंदवाड़ा के रहने वाले दशरथ पटेल को सपने में भी इस बात का इल्म नहीं होगा कि जिस लड़की के वो सात जन्मों तक साथ निभाने का वादा कर रहे हैं वो महज सात घंटों में ही उन्हें रुपए और गहनों का चूना लगाकर फरार हो जाएगी। ये पूरा मामला जिला अदालत के बाहर उस वक्त हुआ जब रेनू उर्फ नीतू नाम की युवती और दशरथ पटेल कोर्ट में शादी करके बाहर निकले। दुल्हन बनी नीतू किसी बहाने से दशरथ की गाड़ी से उतर गई और पलक झपकते ही दूसरी गाड़ी में बैठकर मौके से फरार हो गई। दशरथ और उनके परिजनों ने तत्काल ही जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं से मदद मांगी और लड़की की मौसी को दबोच लिया एवं उसे ओमती पुलिस के हवाले कर दिया। दूल्हा बने दशरथ ने बताया कि लड़की को उसने लगभग 35,000 रुपए और गहने दिए थे जिसे लेकर वो फरार हुई है। क्या हुआ जी, यहाँ पे शादी हुई, जो रो रही है, इनने शादी कराई, इनकी जान पहचान थी अपनी चाचा जी की, तो इनके द्वारा जो शादी हुई इनको पहचानती थी ये, और यहाँ शादी हुई कोर्ट से वो सब बनाए स्टाम्प वगैरह, 4:30 बजे शादी हुई, इसके बाद सब लोग अपने अपने कहा निकल गए बाहर, इसके बाद में वो गाड़ी में बैठी और जी अपनी मेन रोड तक गई, वो मेन रोड तक जाने के बाद बोले मेरे से बैठते नहीं बन रहा है, बोले 2 मिनट रोको, बोले 2 मिनट रोका, इनकी पहले सेटिंग रही, वो पीछे एक गाड़ी वाला खड़ा था, गाड़ी वाले बोले बैठते नहीं बन रहा है, बोले रोको, बोले जे गाड़ी से उतर के खड़ से पीछे वाली गाड़ी में बैठ गई, वो यहीं से तरस तरह होगा कि कौन सी गाड़ी में जा रही है और वहाँ से फरार हो गए। फिर अब घर जाने वाले सबको फ़ोन लगाए भाई ऐसा ऐसा हो गया, उनको दिए 35,000 रुपये, मंगल सूत्र दिए, साड़ी है पूरा उसका मतलब पूरा पन्ने चूड़ी कंगन से लेकर साड़ी तक नए लिए, मंगल सूत्र गांव से बुलवाया मैंने इन लोगों के हाथ। लगभग कितने का खर्चा ले गई तुम? 50,000 का। बोलो ना 50,000 यार, बोलो ना। उनने पैसों की मांग करी थी हमसे कि 30,000 रुपए नगद देना आप और जेवर देना और 6,000 रुपए वकील को देना। क्या बोल के शादी की थी उनने? उन्हें यही बोल के की थी कि बोले हम गरीब हैंगे, मम्मी उनकी बहुत ज्यादा बुढ़िया है, चल फिर नहीं सकती है, उनके कोई नहीं है, कोई उनके कोई रिश्तेदार नहीं है, बोले हम है मौसी है, बोले तो मौसी जो कुछ भी हम करेंगे, बोले उनके कोई भैया है ना बहन है, उनके आगे तो पीछे कोई नहीं है। क्या हुआ अभी? शादी करने के बाद में यही हुआ है कि लड़की भाग चुकी है, गाड़ी से कूद के चली गई। कुछ लड़की का नाम पता है? नीतू नाम है ना उसका। और एक प्रकार का पहले से उसका प्री प्लान था जिसके तहत उसने पैसे और जेवर साथ लेके लड़की भाग गई है, उसकी मौसी साथ में थी, एक महिला जो मिली यहाँ पे हम लोग को, उस महिला को देखने के बाद में और जो पीड़ित पक्षकार उनके बताने पर हमने उनके थाने को खबर दी, माननीय टीआई साहब हमारे बीच में उपस्थित हुए और उसके बाद में उसको बकायदा थाने लेके भेजा जा रहा है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है। शादी करके दुल्हन जो है जेवर और पैसे लेके चली गई, उसकी मौसी जो है यहाँ पर माननीय अधिवक्ता गण द्वारा रोक के रखा गया, तो अभी हम आए हैं, इसको थाने रवाना किए हैं और पीड़ित परिवार को भी साथ में ले जा रहे हैं, जांच के उपरांत कार्रवाई करेंगे। पुलिस के द्वारा लुटेरी दुल्हन की मौसी से पूछताछ की जा रही है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज।